लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हॉर्टिकल्चर गुरुजी चैनल को, और लेटेस्ट हॉर्टिकल्चर लेक्चर्स की वीडियो के लिए बेल आइकन को दबाएं। अगर आप इस टॉपिक को हिंदी में डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.horticulturegurujee.in पर जाएं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हेलो स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस ऑन फिफ्थ टॉपिक विच इज़ कल्टिवेशन ऑफ ब्रिंजल। In this topic, I will cover all about brinjal cultivation, like soil, climate, varieties, hybrid varieties, nursery, seed rate, transplanting, irrigation, manure and fertilizer, harvesting, yield, and plant protection measures. Let's start. Botanical name: सोलेनम मेलोनजेना। बैंगन का जो वानस्पतिक नाम होता है वो सोलेनम मेलोनजेना होता है। फैमिली इसकी सोलेनेसी ही ग्रुप का ही है ये प्लांट भी। क्रोमोसोम नंबर 2N24। ओरिजन इसका जो जन्म स्थल है वो इंडिया है। इसके दूसरे कई नाम भी हैं, अदर नेम्स हैं, जैसे इसको एग प्लांट कह देते हैं, ऑबरजीन कह देते हैं, ठीक है। इसके अलावा अपने बैंगन तो कहते ही हैं। इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स: मेल स्टरलिटी प्रेजेंट इन ब्रिंजल। ब्रिंजल के अंदर जो बैंगन होता है इसके अंदर मेल स्टरलिटी पाई जाती है, मतलब जो मेल होता है वो फंक्शनल नहीं होता, वो स्ट्राइल होते हैं। ये सभी वैरायटियों के अंदर नहीं होता, कुछ स्पेशल केस के अंदर होता है, ठीक है, ये पाई जाती है। एंथोसाइनिन पिगमेंट प्रेजेंट इन ब्रिंजल, इसमें एंथोसाइनिन पिगमेंट पाया जाता है बैंगन के अंदर, जिसके कारण इसका कलर होता है बैंगनी कलर या पर्पल कलर जो बैंगन का होता है वो एंथोसाइनिन पिगमेंट के कारण होता है। ब्रिंजल इज डे न्यूट्रल प्लांट। ब्रिंजल का दीप्ति कालिता कह लो या दिन की जो अवधि होती है उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। इसको कभी भी किसी भी मौसम में कल्टीवेट किया जा सकता है। सोलासोडीन टॉक्सिक सब्सटेंस प्रेजेंट इन ब्रिंजल, इसमें एक टॉक्सिक सब्सटेंस भी पाया जाता है सोलासोडीन। वैसे तो बहुत ही रेयर क्वांटिटी में होता है, बहुत ही कम होता है, पर इसमें पाया जाता है 1600 डीन। इसके बाद है इंडिया रैंक सेकंड इन ब्रिंजल प्रोडक्शन आफ्टर चाइना। जो भारत है इसका दूसरा नंबर है प्रोडक्शन के अंदर। पहले नंबर पे चाइना आती है, बैंगन सबसे ज़्यादा चाइना प्रोड्यूस करती है, दूसरे नंबर पे इंडिया प्रोड्यूस करती है। अगर भारत की बात की जाए तो वेस्ट बंगाल का रैंक फर्स्ट है प्रोडक्शन में, और इसके बाद उड़ीसा और बिहार, मतलब पहला नंबर वेस्ट बंगाल, फिर उड़ीसा का है, फिर बिहार का है प्रोडक्शन के अंदर। वाइट ब्रिंजल इज प्रेफर्ड बाय डायबिटिक पेशेंट्स, जो डायबिटीज़ है जिनको, ठीक है, या जो कह लो कि जो अपना वजन कम करना चाहते हैं उनके लिए वाइट बैंगन या बैंगन के जो डिशेज होती हैं उनको प्रेफर्ड किया जाता है कि उनको खाओ तो आपकी डायबिटीज़ कम हो जाएगी। रिकमेंड करते हैं जो न्यूट्रिशन हेल्थ केयर वाले होते हैं वो इसको रिकमेंड करते हैं। हाइब्रिड जो है इसके वो लगभग 40% एरिया कवर करते हैं, बैंगन के जो हाइब्रिड्स हैं वो 14% एरिया, जितना भी बैंगन पूरा कल्टिवेटेड होता है उसका 14% एरिया में उसके हाइब्रिड उगाए जाते हैं। डार्क पर्पल ब्रिंजल है मोर विटामिन सी, अगर ज़्यादा पर्पल कलर का किस्म है तो उसमें ज़्यादा विटामिन सी होगा, ठीक है। देन द वाइट स्किन जो कई बैंगन किस्में ग्रीन कलर की भी हैं, कुछ वाइट कलर की भी हैं, ठीक है, तो वाइट और ग्रीन की तुलना में जो डार्क पर्पल ब्रिंजल होता है उसमें ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है। वैसे तो इसमें विटामिन बी भी पाया जाता है, रिच होता है विटामिन बी के अंदर। बैंगन के अंदर हिट्रोस्टाइली कॉमन इन ब्रिंजल। हिट्रोस्टाइली मतलब इसकी जो स्टाइल की लेंथ होती है, ठीक है, यानी कि फीमेल पार्ट, ये वाला पार्ट, ठीक
ठीक है, ये अलग अलग लेंथ की होती है बैंगन के अंदर। इसमें ज्यादातर चार फॉर्म देखने को मिलती हैं, लॉन्ग स्टाइल फ्लोवर, मीडियम स्टाइल फ्लोवर, सीडो शॉर्ट स्टाइल फ्लोवर और शॉर्ट स्टाइल फ्लोवर। लॉन्ग स्टाइल फ्लोवर पहला, दूसरा मीडियम स्टाइल फ्लोवर, तीसरा सीडो शॉर्ट स्टाइल फ्लोवर, लास्ट शॉर्ट स्टाइल फ्लोवर। मतलब चार चार पाए जाते हैं। बस इसकी जो स्टाइल की लेंथ होती है, ये वाली चीज़ जो मैंने अभी गोला किया जिस पे, इसमें भी देखो, इसमें कम दिखाई दे रही है, इसमें बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही। बस इस लेंथ के हिसाब से इनको चार भागों में डिवाइड किया है। एक तो जिस स्टाइल की लेंथ ज़्यादा है, ठीक है, पहली वाली पिक्चर में दिखाई हुई है, दूसरी वाली में मीडियम है, मतलब उस जो एंथर है उनके बराबर है। ये तो एक तो एंथर से ऊपर निकल रही है, एक में एंथर के बराबर है, तीसरे वाली पिक्चर में एंथर से नीचे रह जाती है। ठीक है, ये आपकी जो दूसरी सॉरी तीसरी और चौथी सीडो शॉर्ट और शॉर्ट स्टाइल है, क्योंकि उसके अंदर भी दिखाई तो देगा ही नहीं जो लास्ट वाला होगा, क्योंकि उसमें बिल्कुल छोटी सी स्टाइल होगी। और ज़्यादातर जो शॉर्ट स्टाइल होते हैं, मतलब जो लास्ट स्टेज होती है शॉर्ट स्टाइल, ज़्यादातर स्टाइल होती है, याद रखना, उसमें फ्लोवर कभी भी नहीं बनते, बन ही नहीं सकते ये कह लो। जबकि जो सीडो शॉर्ट होती है, अगर इसको केमिकली ट्रीट किया जाए तो ये कभी कभी फ्लोवर में डेवलप हो जाती है, फ्लोवर बना लेती है, क्योंकि वो स्ट्राइल नहीं होती। ठीक है, मैक्सिमम रूट सेटिंग इन लॉन्ग स्टाइल फ्लोवर, और ज्यादातर जो फूल बनते हैं वो लॉन्ग स्टाइल फ्लोवर के अंदर, मतलब फल बनते हैं, फ्रूट सेटिंग ज्यादातर इन्हीं फूलों के अंदर होती है, 70-80% तक इसी में होती है। इसके बाद देयर इज नो फ्रूट सेटिंग इन सीडो शॉर्ट और शॉर्ट स्टाइल, मतलब अगर नेचुरली देखा जाए तो सीडो शॉर्ट और शॉर्ट स्टाइल के अंदर फूल नहीं बनते। ये फूल लगते तो है, पौधे के ऊपर ही लगते हैं। वैसे भी इसके अंदर दो तरीकों से फूल लगते हैं, एक तो सोलिटरी, वैसे तो मेन तो ये सोलिटरी है कि सिंगल सिंगल फूल लगता है, ठीक है, और कभी कभी ये क्लस्टर में लगते हैं। ठीक है, जो सोलिटरी होते हैं इसके अंदर ज्यादातर जो फ्लोवर होंगे वो लॉन्ग स्टाइल्ड होंगे या मीडियम स्टाइल्ड होंगे, जिन पे फ्रूट सेट होगा। जबकि जो क्लस्टर में लगते हैं उनके अंदर ज्यादातर फूल सीडो शॉर्ट होंगे या शॉर्ट स्टाइल्ड होंगे और कुछ मीडियम स्टाइल्ड होंगे। ठीक है, लॉन्ग स्टाइल्ड वाले तो होंगे नहीं, मीडियम स्टाइल्ड होंगे। और इन दोनों का जो रेशियो होगा शॉर्ट स्टाइल्ड और मीडियम स्टाइल्ड का, ये लगभग 3:4:1 होता है। मतलब चार फूल उसके अंदर अगर फीमेल शॉर्ट स्टाइल वाले हैं तो एक आध फूल उसमें लॉन्ग मीडियम स्टाइल वाला होगा। ठीक है, जिसके कारण कभी कभी अपना जो प्रोडक्शन होता है वो कम होता है। अपने उनको ट्रीट करके सही भी किया जा सकता है। इसमें कभी कभी क्या होता है, बैंगन के अंदर एक, वैसे तो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर कोई खास है नहीं, पुअर फ्रूट सेटिंग का एक कभी कभी फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर देखने को मिलता है, तो उसमें यही कंडीशन होती है कि उसमें ज़्यादातर फूल क्लस्टर में लगे रहते हैं, और जिसके अंदर ज़्यादातर सीडो शॉर्ट और जब शॉर्ट स्टाइल फ्लोवर ही होते हैं, ज़्यादा रेशियो होने के कारण उसमें फलन बहुत कम होता है। तो अपने इसको केमिकली ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है, आगे वो केमिकल में कई बताऊंगा, जैसे 2,4-D का स्प्रे कर सकते हो, PCPA का स्प्रे कर सकते हो, ठीक है, इनका स्प्रे करके आप उसमें पार्थेनोकार्पिक बीज पार्थेनोकार्पिक तैयार कर सकते हो फल को, या किसी और तरीके से फल को तैयार कर सकते हो। वो भी जो शॉर्ट होते हैं वो तो स्ट्राइल होते हैं, उनसे उनको तो छोड़ ही दो, उनपे तो फल लगेगा नहीं, पर हाँ जो सीधे शॉर्ट होते हैं वो स्ट्राइल नहीं होते, उनको उनके ऊपर फल तैयार किया जा सकता है। ठीक है, तो ये पुअर फ्रूट सेटिंग एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर बैंगन के अंदर कभी कभी देखने को मिलता है, जिसमें फ्लोवर क्लस्टर में लगे रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एरिया एंड प्रोडक्शन। ब्रिंजल कवर 8.14% ऑफ टोटल वेजिटेबल एरिया एंड प्रोड्यूस 9% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन। जो बैंगन है वो जितना भी वेजिटेबल का एरिया है उसका 8.14% एरिया कवर करता है टोटल सब्जियों में से, और उनका 9% प्रोडक्शन करता है। जितनी वेजिटेबल प्रोडक्शन प्रोड्यूस होती है उनका 9%
बैंगन ही प्रोड्यूस होता है। उसके बाद कुछ एरिया है तीन अलग अलग ईयर का, जैसे 2015-16 का दिया हुआ है, 16-17 का दिया हुआ है, 17-18 का लेटेस्ट डाटा है। तो वैसे तो अभी नया आ गया होगा शायद तक तो, पर अभी मैंने देखा था तो मिला नहीं था मुझे। तो लेटेस्ट डाटा है 2017-18 का, जिसके अंदर एरिया है 730 हजार हेक्टर एरिया था इसका, और प्रोडक्शन था 12,801 हजार मैट्रिक टन, और इसकी प्रोडक्टिविटी थी 17.5। ठीक है, प्रोडक्टिविटी पता ही है एक यूनिट के अंदर कितना प्रोड्यूस होता है, यानी कि एक हेक्टर के अंदर कितना प्रोड्यूस होगा मैट्रिक टन पर हेक्टर के हिसाब से इसने दी है। ठीक है, लगभग एक हेक्टर के अंदर 17.5 मैट्रिक टन प्रोड्यूस होता है एक यूनिट के अंदर। ठीक है, इसका मतलब ये है। नेक्स्ट है वराइटीज और जहाँ पे हाइब्रिड, इसकी किस्में, इसकी किस्मों को जनरली जो शेप और साइज के हिसाब से दो प्रकार में डिवाइड किया जाता है। एक तो लॉन्ग वराइटीज होती हैं, दूसरी राउंड वराइटीज होती हैं। लॉन्ग वराइटीज जो है वो है पूसा पर्पल लॉन्ग, पूसा पर्पल क्लस्टर, पूसा क्रांति, कृष्णा नगर ग्रीन लॉन्ग, अर्का शीतल, अर्का कुसुमकर, अर्का आनंद, अर्का केशव, इसका नाम और भी है BWR21, अर्का नवनीत, अर्का नीलकंठ, अर्का निधि, अर्का शिरीष, H4 पंजाब, बरसाती, पंत स्मार्ट, आजाद क्रांति। ठीक है, ये है लॉन्ग वराइटीज। राउंड वराइटीज के अंदर पंत ऋतुराज, पूसा पर्पल राउंड, मंजरी, कृष्ण नागर, पर्पल राउंड, पंजाब बहार, ये इसकी कुछ राउंड किस्में हैं जिनके अंदर फल थोड़ा राउंड रहता है, गोल शेप का रहता है। ठीक है, कुछ है सिलेक्शन से तैयार जो किस्में हैं, जैसे पूसा पर्पल लॉन्ग एक सिलेक्शन से डेवलप वैरायटी है, पूसा पर्पल क्लस्टर है, पंत सम्राट है, पूसा पर्पल राउंड है, अर्का शिरीष है, ये ग्रीन कलर की किस्म है, अर्का कुसुमकर है, अर्का शील है, पंजाब चमकीला है, पंजाब नीलम है, अर्का शील भी वैसे ग्रीन कलर की है, पंजाब बहार, आज़ाद क्रांति, अर्का निधि। ठीक है, ये सिलेक्शन से तैयार किस्में हैं। कुछ हाइब्रिड्स हैं जैसे पंत ऋतुराज TN, पंत ऋतुराज क्रॉस है T30x PPC, पूसा पर्पल क्लस्टर। ठीक है, इन दोनों का पूसा अनुपम है, पूसा क्रांति इंटू PPC, पंजाब बरसाती है PPC x H4 हाइब्रिड 4, पूसा उत्तम GR x ऋतुराज, पूसा बिंदु है GR x ऋतुराज, अर्का नवनीत है IIHR221x सुप्रीम, एक इसकी विजय किस्म है। उसके बाद पूसा क्रांति, पूसा पर्पल लॉन्ग इंटू हैदरपुर इंटू वैनाथ ग्यंत। ठीक है, ये तीन वैरायटियों का क्रॉस है। उसके बाद पूसा वैरव PPL x 11A 12 2 1, पूसा उपकार, इसके अलावा निशा, पूसा जामुनी, शिवा, हिसार श्यामल, सुफल, वर्धन, वैशाली, ये इसकी हाइब्रिड किस्में हैं। उसके अलावा फोमोसिस ब्लाइट और बैक्टीरियल विल्ट रेजिस्टेंट वैरायटी, पंत सम्राट जो है फोमोसिस ब्लाइट और बैक्टीरियल विल्ट से रेजिस्टेंट वैरायटी है। एक और है एफिड से रेजिस्टेंट वैरायटी, ये याद रखना, कई बार पूछी गई है, एफिड से रेजिस्टेंट वैरायटी है अनामलाई, इसकी अनामलाई जो किस्म है वो एफिड से रेजिस्टेंट है, मतलब इस पे एफिड की जो प्रॉब्लम है वो कम आती है। इसकी कुछ एक नई वैरायटी भी है पूसा अंकुर, अभी लेटेस्ट ही रिलीज हुई किस्म है इसकी, पूसा अंकुर
इसके बाद है क्लाइमेट, ब्रिंजल इज ससेप्टिबल टू सेवर फॉरेस्ट फॉरेस्ट, जी मान लो कि ये पाले को सहन नहीं कर सकता, ये गर्मी की फसल है और पाले को बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकता। और अगर इसके अंदर ये कह लो कि टेम्परेचर, इसकी ग्रोमिंग कंडीशन के अंदर टेम्परेचर सर्दी के अंदर बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है, तो इसमें जो ओवेरी होती है उसमें स्प्लिटिंग स्टार्ट हो जाती है, ये कह लो कि एबनॉर्मल ग्रोथ करती है उसकी ओवेरी, जैसे ही फूल खिला उसके अंदर ही ओवेरी एबनॉर्मल ग्रोथ करेगी और जो फ्रूट होगा वो मिस शेप होगा, मतलब उसकी शेप अच्छी नहीं होगी ज़्यादा ठंड के कारण। इसके अलावा लॉन्ग वार्म ग्रोविंग सीजन विद टेम्परेचर रेंज ऑफ 21 टू 27 डिग्री सेल्सियस मोस्ट फेवरेबल फॉर इट्स सक्सेसफुल प्रोडक्शन, वैसे तो ये 21 से 27 डिग्री इसकी कल्टीवेशन के लिए अच्छा रहता है, टेम्परेचर बहुत ही सुटेबल है, पर कभी कभी कई किताबों के अंदर ये 13 डिग्री से लेके 21 डिग्री तक भी दिया हुआ है, ठीक है। और द ब्रिंजल सीड्स जर्मिनेशन वेल एट 25 डिग्री सेल्सियस, और इसका जो जर्मिनेशन है बीज का वो 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे होता है सोयल। वैसे तो इसको हर प्रकार की मिट्टी में कल्टीवेट किया जाता है, कोई खास इसके लिए दिक्कत नहीं आती कल्टीवेशन में, पर जो अगर इसकी प्रेफर की जाती है वो थोड़ी हैवी सोयल की जाती है, सिल्ट लोम या क्ले लोम सोयल है वो इसकी कल्टीवेशन के लिए उत्तम रहती है, उसको ज़्यादातर प्रेफर किया जाता है। जो मिट्टी द सोयल शुड बी डीप फर्टाइल एंड वेल ड्रेन्ड, मतलब गहरी होनी चाहिए, अच्छी उपजाऊ होनी चाहिए, जल निकास की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा पीएच जो मिट्टी का है वो भी 6 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 5.5 6 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है सीजन्स, मतलब जब इनको उगाया जाता है कौन कौन से सीजन हैं। जो नॉर्थ इंडियन कंडीशंस हैं उनके लिए ज़्यादातर जो सोविंग है सुटेबल टेम्परेचर सुटेबल सीजन है वो है जून से जुलाई के अंदर बीज बोए जाते हैं, अगर अपने पतझड़ वाली और सर्दी वाली फसल लेनी है तो, पतझड़ सर्दी वाली एटमन और विंटर क्रॉप अगर अपने को लेनी है तो जून जुलाई के अंदर इसकी बुआई करते हैं, सीड सोविंग करते हैं, और नवंबर के अंदर बीज बुआई करते हैं अगर अपने को गर्मी की फसल लेनी है, स्प्रिंग समर मतलब बसंत और समर वाली गर्मी वाली फसल लेनी है तो। सोविंग टाइम इन द पार्ट ऑफ द कंट्री इज फ्रॉम जून टू सितंबर, मतलब पूरे अपने जो दूसरे पार्ट रह गए जैसे साउथ है ईस्ट है वेस्ट है, इसके अंदर ज़्यादातर जो टाइम रहता है वो जून से सितंबर का, फिर दूसरा टाइम दिसंबर से जनवरी के अंदर इसकी सोइंग करते हैं, और पहाड़ी क्षेत्रों में हिली रीजन्स के अंदर मार्च से अप्रैल के अंदर सीड बोते हैं और उनकी ट्रांसप्लांटिंग मई के अंदर करते हैं। सीड रेट एंड सीड ट्रीटमेंट, इसकी जो कल्टीवेशन है इसके लिए 250 से 375 ग्राम सीड इज सफिशियंट फॉर टू कवर 1 हेक्टर एरिया, 1 हेक्टर के लिए लगभग 250 से 375 ग्राम बीज काफ़ी रहते हैं, जिससे कि लगभग 30,000 से 45,000 सीडलिंग तैयार हो जाती हैं। बीज को बुआई से पूर्व इसको सीड को ट्रीट करना चाहिए, ठीक है, कैप्टान या थायरम 2 ग्राम पर केजी बीज के हिसाब से बीजों को ट्रीट करके बोना चाहिए। नेक्स्ट है नर्सरी, नर्सरी राइस बेड शुड बी प्रिपेयर्ड, मतलब उठी हुई क्यारियां बनाओ, इसमें भी वैसे डैम्पिंग ऑफ वाली प्रॉब्लम रहती है, बरसात के सीजन में अगर बनाते हैं तो पानी भर जाता है तो डैम्पिंग ऑफ ज़्यादा प्रकोप रहता है, इसलिए उठी हुई क्यारियाँ बनाई जाती हैं। राइस बेड शुड बी प्रिपेयर्ड, इनका जो साइज है वही 7.5 सेंटीमीटर लंबी, 1.7 सेंटीमीटर लंबी, 1.2 मीटर चौड़ी और 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंची बनाई जाती हैं, ठीक है, 7.5 मीटर लंबाई में और 1.2 मीटर चौड़ाई और 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंची। सीड रेट जो सीड बीज होते हैं उनको लगभग 7.5 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे बोए जाते हैं, लाइनों के अंदर बोए जाते हैं,
जैसे ही बुआई बीज बो दिए जाते हैं, उसके बाद जो पूरा बेड होती है उसको एक ग्रास से जब उसके ऊपर मल्चिंग कर दी जाती है, पत्तियों की मल्चिंग कर दी जाती है, जिससे कि पूरी की पूरी बेड ऊपर से मॉइस्ट रहे, मतलब उसके अंदर मॉइस्चर कंजर्व रहे, सूखे ना ऊपर से। लगभग 4 से 5 वीक के अंदर सीडलिंग तैयार हो जाती है, ठीक है, ये कह लो कि 5 से 6 पत्तियां आ जाती हैं, तब उसको ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। प्रिपरेशन ऑफ लैंड स्पेसिंग एंड ट्रांसप्लांटिंग। सोयल इज प्रिपेयर्ड टू फाइन टिल्थ बाय गिविंग 4 to 5 प्लॉइंग। मिट्टी की जो भुरभुरी बना लिया जाता है, ये कह लो 4 से 5 अच्छी तरह से जुताई करके उसको भुरभुरी बना लिया जाता है। फिर उसके अंदर 25 टन पर हेक्टर के हिसाब से लास्ट जुताई के समय उसमें FYM गोबर की खाद डाल दी जाती है, ठीक है। उसके बाद स्पेसिंग इसके अंदर लगभग 60x45, 75x60 और 75x75 सेंटीमीटर रखी जाती है। वैसे तो ज़्यादातर ये जो लेट किस्में होती हैं, जब ज़्यादा विग्रस ज़्यादा ग्रोथ करने वाली होती हैं, उनके अंदर ज़्यादा रखी जाती है। जो अपराइट ग्रोथ करती हैं, जहाँ लेट वैरायटी होती हैं, सॉरी अर्ली वैरायटी होती हैं, उनके अंदर स्पेसिंग कम रखी जाती है, ठीक है। जैसे ही प्लांटिंग कर देते हैं उसके तुरंत बाद, जैसे ही रोपाई कर देते हैं सॉरी फील्ड के अंदर, उसके तुरंत बाद सिंचाई कर देनी चाहिए, हल्की सिंचाई कर देनी लाभदायक रहती है। न्यूट्रिशन पोषण, जो कुछ रिकमेंडेड डोज हैं इंडिया के अलग अलग स्टेट्स के अंदर, जैसे मध्य प्रदेश के अंदर 100 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस, 25 किलो पोटाश रिकमेंडेड डोज है। ओडिशा के अंदर 125, 80, 110, पंजाब के अंदर है 125, 62, 30, 30, तमिलनाडु के अंदर 100, 50, 30, उत्तर प्रदेश के अंदर 100, 50, 50, वेस्ट बंगाल के अंदर 120, 50, 50, मतलब ये नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटाश की तीनों की दी हुई है कि भाई अलग अलग स्टेट्स के अंदर इतनी इतनी रिकमेंडेड डोज है कि भाई इतनी इतनी डालो। इसके अलावा 25 टन FYM शुड बी एडेड 25 to 30 डेज बिफोर ट्रांसप्लांटिंग। जैसे ही अपने को ट्रांसप्लांटिंग करनी है मेरे फील्ड में, उससे पहले 25 टन FYM डालनी चाहिए। अपने तो वैसे ज़्यादातर क्या करते हैं कि जो लास्ट जुताई हो रही होती है उस टाइम 25 टन FYM खेत के अंदर मिला दी जाती है। उसके बाद है नाइट्रोजन की जो 25%, वैसे तो 50%, ये मान लो कि उसको 3 टुकड़ों में डिवाइड कर लिया नाइट्रोजन को, फास्फोरस और पोटाश को उसी टाइम डाल दी जब खेत की तैयार लास्ट जुताई चल रही थी उस टाइम डाल दी, और नाइट्रोजन की भी आधी मात्रा उस टाइम डाल दी। अब नाइट्रोजन की जो रिमेनिंग डोज आधी बची उसको, उसका भी मान लो कि 50-50 कर लिया, आधा आधा कर लिया 25%, ठीक है। उस 25% को उसने नाइट्रोजन को 6 वीक आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग, जैसे ही 6 वीक यानी कि 40-42 दिन हुए उसके बाद उसमें फील्ड में डाल दी, और जो एक और डोज बची उसको लगभग 10 वीक बाद फील्ड के अंदर टॉप ड्रेसिंग मतलब छिड़काव कर दिया, पूरी उसके अंदर फील्ड के अंदर छिड़काव करके उसको दे दी। सिंचाई, टाइमली इरिगेशन इज एसेंशियल फॉर फ्रूट सेट एंड इट्स डेवलपमेंट। मतलब इसको टाइम से सिंचाई करने से फ्रूट सेट अच्छा होता है, मतलब एसेंशियल होता है उसके लिए, और फल का अच्छा विकास होता है, इसलिए इसमें सिंचाई लगभग गर्मियों के अंदर 3 से 4 दिनों के अंतराल पर और सर्दियों के अंदर 10 से 14 दिनों के अंतराल पर करनी चाहिए। वैसे तो इसके अंदर जो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है वो ज़्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है। ड्रिप इरिगेशन से क्या होता है कि एक तो आपकी फसल ज़्यादा पैदा होगी, दूसरा पानी भी आप सेव कर रहे होंगे, वीड की प्रॉब्लम कम रहेगी। वैसे आजकल जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसमें तो ब्लैक पॉलीथीन, जहाँ पॉलीथीन से पहले फील्ड को कवर कर लिया जाता है, नीचे उसके ड्रिप लाइन बिछा दी जाती है पहले से, और मेड़ों के ऊपर हॉल करके इसकी बुआई करते हैं, जैसे कि अभी नेक्स्ट वाली स्लाइड में शायद आपको दिखाई देगा, अभी आएगी आगे। वीड कंट्रोल, लगभग 3 से 4 निराई गुड़ाई, हाथ से निराई गुड़ाई करने काफ़ी रहती है इसके लिए।
बीड इसमें पूरी तरह से कंट्रोल हो जाते हैं। इसमें एक रूट पैरासाइट भी है, ओरा बैची बीड है इसके अंदर, जो सोलेनेसी फसलें हैं, जितनी भी सोलेनेसी वाली जितने भी अपने प्लांट होते हैं, ये कह लो कि फसलें हैं, जैसे टमाटर है, मिर्च है, ठीक है, शिमला मिर्च है, इनके अंदर ज़्यादातर से समस्या रहती है ओरोबेंची की। ओरोबेंची ये एक रूट पैरासिटिक वीड है, ठीक है, इसका कंट्रोल भी किया जा सकता है। इसके लिए अपने प्री प्लांटिंग, यानी कि प्लांटिंग जैसे ही अपने फील्ड में रोपाई करते हैं, उससे पहले 1 किलो पर हेक्टर के हिसाब से फ्लूक्लोरोरिन को अप्लाई करते हैं, उसके बाद बुआई करते हैं, फिर उसके 30 दिन बाद, यानी कि ट्रांसप्लांटिंग के 30 दिन बाद उसके अंदर एक हैंड वीडिंग कर देते हैं, तो इसका लगभग लगभग कंट्रोल हो जाता है। नेक्स्ट है मल्चिंग। द मोस्ट बेनिफिशियल इफेक्ट ऑफ मल्चिंग इज दैट इट कंजर्व सोयल मॉइस्चर एंड कंट्रोल वीड्स। मतलब इसका सबसे अच्छा जो मेन फंक्शन है जहाँ इफेक्ट पड़ता है वो है कि एक तो ये मिट्टी का जो नमी होती है उसको बचाता है और खरपतवार का नियंत्रण करता है, ठीक है। जैसे नीचे वाली पिक्चर में दिखाया हुआ है, ब्लैक पॉलीथीन से मल्च की हुई है, ज़्यादातर जो बैंगन के अंदर है वो ब्लैक पॉलीथीन ज़्यादातर यूज़ करते हैं, ठीक है, जो ब्रीड को भी सप्रेस करती है और नमी को भी कंजर्व करके रखती है। मल्चिंग इन बिंजल क्रॉप विद ब्लैक पॉलीथीन फिल्म रिड्यूस वीड ग्रोथ, एक्सीलरेट क्रॉप ग्रोथ, इंड्यूस अर्ली बेयरिंग एंड इंक्रीज यील्ड। मतलब जो ब्लैक पॉलीथीन है वो पौधे के ऊपर, उसकी ग्रोथ के ऊपर, फलन के ऊपर भी प्रभाव डालती है, उसको बढ़ाती है, ठीक है। इसमें ड्रिप इरीगेशन ढंग से किया जा सकता है, क्योंकि अपने दूसरे तरीके से पानी दे नहीं सकते, पॉलीथीन लगी हुई है, तो ड्रिप इरीगेशन ही सुटेबल मेथड है। यूज ऑफ ग्रोथ रेगुलेटर एंड केमिकल्स। वैसे तो ये कह लो कि खास कोई इनका प्रभाव नहीं है वैसे, पर फिर भी ग्रोथ रेगुलेटर जैसे 2,4-D है, 2 ppm एट फ्लोवरिंग इंड्यूस पार्थेनोकार्पी, इंक्रीज फ्रूट सेट, एडवांस फ्रूट मैचुरेशन एंड सिग्निफिकेंटली इंक्रीज टोटल यील्ड। मतलब अगर 2,4-D का स्प्रे करते हैं तो ये फ्लोवरिंग इंड्यूस करता है, फूल अगर पुष्पन को इंड्यूस करता है, इसके अलावा पार्थेनोकार्पी फल पैदा होते हैं जिसमें बीज कम हो, फ्रूट सेटिंग को बढ़ाता है, एडवांस फ्रूट मैचुरेशन मतलब पहले ही फलों का बहुत जल्दी पक जाना, मतलब एडवांस स्टेज जितनी वो जितने टाइम लेना चाहिए तो उससे पहले पक जाना, ठीक है, और टोटल उपज को भी बढ़ाता है। 2,4-D का आप उसमें भी स्प्रे कर सकते हो, जहाँ पे मैंने पहले बताया था पुअर फ्रूट सेट के अंदर। उसके अलावा है दूसरा स्प्रे ऑफ फॉर PCPA पैरा क्लोरोफिनोक्सी एसिटिक एसिड 20 ppm का, ये भी फ्रूट सेटिंग को प्रमोट करता है। अपने को इसका भी स्प्रे उस टाइम कर सकते हैं जो सीडो शॉट और क्लस्टर में फूल लगे हुए होते हैं। इसके अलावा है NAA नेप्थलिक एसिटिक एसिड 60 ppm अलोन और इन कॉम्बिनेशन विद BA बेंजोइक एसिड 30 ppm अप्लाइड ऑन ओपन फ्लोवर इम्प्रूव फ्रूट सेट। मतलब जैसे ही फ्लोवरिंग ओपन हो रहे हैं फूल, उनके ऊपर या तो नेप्थलिक एसिटिक एसिड का अकेले का या इसके साथ में BA दोनों को मिला के इसके ऊपर स्प्रे करो, जिससे फलन ज़्यादा होगा, फल ज़्यादा सेट होंगे। इसके अलावा है एस्कॉर्बिक एसिड है, GA3 है, IAA है इंडोल एसिटिक एसिड एंड थायोयूरिया, ये भी एडवांस फ्लोवरिंग मतलब पहले पुष्पन होने लग जाता है अगर इसकी स्प्रे करते हैं तो 4 से 5 दिन तक का फर्क पड़ जाता है, तो इसको किया जा सकता है, इन ग्रोथ रेगुलेटर और केमिकल्स को यूज़ किया जा सकता है। फिर है हार्वेस्टिंग एंड यील्ड। ब्रिंजल फ्रूट आर हार्वेस्टेड व्हेन दे हैव डेवलप्ड ए गुड कलर एंड मार्केटेबल साइज, आर स्टिल इमैच्योर टेंडर एंड हैव नॉट लॉस्ट कुलिनरी क्वालिटी। ये कह लो कि जब फल को तोड़ा जा सकता है, जब पूरा का पूरा अपना साइज ले लेता है, उसका कलर अच्छा हो जाता है, उस टाइम वो ये कह लो कि इमैच्योर कच्चा हो और नाजुक टेंडर कोमल हो, ठीक है, कोमल होना चाहिए, ऐसे नहीं कि वो हार्ड हो जाए पक जाए तो उसके अंदर बीज बन जाएंगे, खाने लायक नहीं रहेगा, मतलब खाने लायक क्वालिटी होनी चाहिए, तब उसको तोड़ाई कर लेनी चाहिए। नॉर्मली द प्लकिंग कैन बी डन एट 7 to 10 days डिपेंडिंग अपॉन द वैरायटी। जनरली जो प्लकिंग की जाती है मतलब तोड़ाई की जाती है वो 7 से 10 दिन के अंतराल पर की जाती है,
वैसे तो ये क्लाइमेटिक कंडीशन और वैरायटी के ऊपर डिपेंड करता है कि कब उसकी तुड़ाई करनी है, पर जनरली जो 7 से 10 दिन के अंतराल पे इसमें तुड़ाई की जाती है। तुड़ाई में क्या करते हैं कि इसके साथ में जो डंठल लगा रहता है, स्टाक रहता है, उसको साथ में रख के तोड़ा जाता है। ऐसे नहीं कि बिल्कुल फूल जो फल है उसको साथ में डंठल ना छोड़ो, डंठल उसके साथ में होने चाहिए। इससे क्या उसकी सेल्फ लाइफ जो होती है वो इंक्रीज होती है, बढ़ती है। अर्ली क्रॉप नॉर्मली जो इसकी उपज है, अर्ली जो अगेती फसल है उसकी जो उपज 20 से 30 टन पर हेक्टर तक होती है। वाई लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप्स मतलब लॉन्ग लंबे अवधि वाली जो फसलें हैं उनकी 35 से 40 टन पर हेक्टर तक हो जाती है, और जो संकर होती हैं उनकी 40 से 80 टन पर हेक्टर तक उपज मिल जाती है। ठीक है, चलो एक मैं डिजीज बताने के अलावा एक मैं एक और चीज़ बताता हूँ, एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है। पहले जो अपने फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर पढ़े थे मैंने, एक बताया था तुम्हें पुअर फ्रूट सेट, ठीक है, उसका मैंने तुम्हें सारा समझा ही दिया था कि उसमें क्या होता है कि फल जो बनता है फ्रूट सेट कम होता है, कारण उसमें सोलिटरी और क्लस्टर में ज़्यादातर सोलिटरी फूल होते हैं, और वैसे क्लस्टर में जो जिनमें पुअर सेट होता है उनमें क्लस्टर में पाए जाते हैं, और क्लस्टर में क्या होता है कि ज़्यादातर जो फूल होते हैं वो सीडो शॉर्ट स्टाइल वाले होते हैं या शॉर्ट स्टाइल वाले होते हैं। बस अपने को उनको कंट्रोल करना होता है, उसके लिए अपने PCP और इनका स्प्रे कर सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि फ्रूट सेटिंग कम फ्रूट सेटिंग ही इसका मेन मकसद है। एक होता है इसमें चलो जैसे याद आएगा मैं आगे बताऊंगा, अभी मेरे याद था पहले तो चलो मैं इसको बताने लग गया, जैसे याद आएगा बताता हूँ। डिजीज मैनेजमेंट इसमें है, पहली फोमोसिस ब्लाइट, इसकी बैंगन की सब सीरियस बीमारी है फोमोसिस ब्लाइट। इसमें क्या होता है कि पौधे के हर भाग को वैसे ये प्रभावित करता है, पत्तियों के ऊपर गोल सर्कुलर ये कह लो और या फिर ऑबलोंग थोड़े से लंबाई में अंडा शेप के ब्राउन कलर के धब्बे बनने लग जाते हैं, जो जैसे जैसे ये एज के साथ में पौधे की एज के साथ में ये बढ़ने लग जाते हैं, इरेगुलर होने लग जाते हैं, मतलब टेढ़े मींगे सारे पत्ते को कवर करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। इसका कंट्रोल है ग्रो रेजिस्टेंट वैरायटीज़, जो भी रेजिस्टेंट वैरायटी हैं उनका उनको ग्रो करना चाहिए। दूसरा है लॉन्ग क्रॉप रोटेशन, क्रॉप रोटेशन जैसे फसल अदला बदली करके बोनी चाहिए, मतलब वही फसल बार बार उसी नहीं बोनी चाहिए। इसके अलावा हॉट वाटर ट्रीटमेंट ऑफ सीड एट 50 डिग्री सेल्सियस फॉर 25 मिनट, 50 डिग्री सेल्सियस के पानी में को में बीज को 25 मिनट तक ट्रीट करके बोना चाहिए। सीड ट्रीटेड विद फंजीसाइड जैसे कैप्टान है, एग्रोसन थायरम है, इसके साथ बीज को ट्रीट करके बोना चाहिए, उपचारित करके बोना चाहिए। इसके अलावा वीकली स्प्रे ऑफ नर्सरी एंड फील्ड विद सम फंजीसाइड, या फिर जो भी आपकी नर्सरी है और फील्ड है उसके अंदर साप्ताहिक रूप से फंजीसाइड का स्प्रे करना चाहिए, किसी भी फंजीसाइड का आप कर सकते हो। दूसरा है बैक्टीरियल विल्ट, सीडोमोनास सोलेने सेरम, ठीक है, बैक्टीरियल विल्ट ये बैक्टीरिया के कारण वैसे होती है। इसमें भी वही है कि पत्तियां जो प्लांट शो बिल्टिंग मतलब मुरझा जाता है, स्टनिंग ये कह लोगे उसकी ग्रोथ रुक जाती है, येलिंग ऑफ फॉलियज जो पत्तियां हैं वो पीली पड़ने लग जाती हैं, उसके बाद जो पूरा का पूरा पौधा होता है वो डाई हो जाता है, मर जाता है, क्लास्प हो जाता है। इसका कंट्रोल है एक तो रेजिस्टेंट वैरायटीज ग्रो करो, जैसे पूसा पर्पल लॉन्ग है ये एक इसकी रेजिस्टेंट वैरायटी है। इसके अलावा लॉन्ग क्रॉप रोटेशन अपनाओ, इसका यही कंट्रोल है बैक्टीरियल का। इसके अलावा है डैम्पिंग ऑफ, डैम्पिंग ऑफ अपने टमाटर में भी पड़ी थी, सेम है वो पिथियम स्पीसीज फाइटोपथोरा स्पीसीज के कारण ये होती है, और नर्सरी के अंदर ही जनरली ये देखने को मिलती है। पौधे का जो कॉलर रीजन होता है वहाँ से पौधा गलता है और ग्राउंड जो बेड होती है उसके ऊपर गिर जाता है। कंट्रोल इसका सेम ही है कि एक तो बेड ऊँची बनानी चाहिए, ठीक है, दूसरा बीजों को उपचारित करके बोना चाहिए, ठीक है, तीसरा कि फंजीसाइड का उसके ऊपर स्प्रे करते रहो, जैसे सिंचाई करो सिंचाई के साथ में फंजीसाइड डालते रहो, कॉपर फंजीसाइड या कोई फंजीसाइड डालते रहो, ठीक है। फिर नेक्स्ट इसमें डिजीज है लिटिल लीफ, जो माइकोप्लाज्मा के कारण होती है। इसमें पत्तियां थोड़ी छोटी छोटी स्मॉल स्मॉल पत्तियां बन जाती हैं और डी फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर पार्ट्स के अंदर जो फ्लावर बनते हैं वो भी डीफॉर्म्ड हो जाते हैं, मतलब
कुछ उसमें पत्तियां बन जाएंगी, कुछ उसमें फूल बन जाएंगे, मतलब बेकार सा फूल बनेगा, ठीक है। और ज़्यादातर ये जो बीमारी है वो लीफ हॉपर से स्प्रेड होती है। लीफ हॉपर इसको एक जगह से दूसरी जगह पे स्प्रेड करता है। इसका कंट्रोल है जो भी इन्फेक्टेड पार्ट पौधे के हैं उनको अर्ली स्टेज के अंदर ही काट कर डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। इसके अलावा कुछ इंसेक्टिसाइड्स हैं जो हॉपर के कंट्रोल के लिए आप इसमें पेस्टिस डाल सकते हो, हॉपर के कंट्रोल के लिए, लीफ हॉपर के लिए डाल सकते हो। उसके बाद है इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट। इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट शूट एंड फ्रूट बोरर पहला है, सबसे सीरियस पेस्ट है। और ज़्यादातर वैसे तो इसमें ज़्यादा पेस्ट का कोई और कोई ज़्यादा पेस्ट है भी नहीं, ये मान लेना कि ये सबसे इसका कॉमन और मेन पेस्ट है, शूट एंड फ्रूट बोरर, ठीक है। ज़्यादातर बैंगन काड़े आते हैं अंदर से, ये कह लो कि इसके अंदर लट रहती है, वो ही चीज़ है ये। इट इज शॉर्ट पिंकिश लार्वी ऑफ द पेस्ट दैट इनिशियली अटैक टर्मिनल शूट बोर्स इन साइड एंड एज ए रिजल्ट ऑफ विच द शूट विदर एंड ड्राई। मतलब जो शुरुआती इसकी दौर होता है उसमें क्या करती है कि जो इसकी पेस्ट की लार्वी होती है, लार्वी स्टेज यानी कि कैटरपिलर कह लो एक तरीके से, वो जो टहनियाँ होती हैं कोमल नाजुक टहनियाँ होती हैं उनके अंदर बोर करती है, उनको शेद करती है, उसके अंदर घुस जाती है, उसको अंदर अंदर से खा जाती है। और जो शाखाएं होती हैं वो सूखना स्टार्ट कर देती हैं, सूख जाती हैं। और अगली स्टेज के अंदर ज़्यादातर ये जंग फ्रूट होते हैं, कच्चे फल होते हैं, उनके अंदर फॉल कर देती है, उसको भी अंदर से ये खा जाती है, जो कि फिर ह्यूमन कंजप्शन के लिए अनफिट रहते हैं, नहीं खा सकते अपने, उसको कंज्यूम नहीं कर सकते। कंट्रोल है जो भी शुरुआत के अंदर ही जो इन्फेक्टेड पार्ट आपको दिखाई देते हैं कि कोई सूख गया पौधे का ऊपर वाली शाखा, जो ऊपर वाली मेन पार्ट है टॉप, तो उसको काटो इंसेक्ट के साथ में और उसको जला दो, जो डिस्ट्रॉय कर दो, ठीक है। इसके अलावा लिंडेन का आप स्प्रे कर सकते हो। इसके अलावा 3 स्प्रे कार्बेराइल 0.2% की भी आप 2 वीक के अंतराल पर कर सकते हो इसका कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। ये इसके कुछ लार्वी के पिक्चर दिखाए हुए हैं, जैसे ये देखो ये लार्वी है रेड कलर की, ठीक है। ये इसकी आगे वाली स्टेज है, ठीक है, फ्लाई वाली। और इसमें ये देखो बैंगन के अंदर हॉल किए हुए हैं और ये तने के अंदर जो उसका शूट है उसके अंदर हॉल करके बैठी हुई है। यहाँ भी ये उसके जो शाखा है शूट है उसके अंदर हॉल कर रही है, ठीक है। उसके बाद है लीफ रोलर। इसकी जो गर्भ होती है एडल्ट दोनों के दोनों, जो लीफ का रेगुलर एरिया होता है, मतलब जो कह लो कि नॉर्मल लीफ होती है उसके बीच वाले एरिया को खा जाती है। और इसका जो बाद में क्या होता है कि पत्ती वहाँ से खाने के बाद पत्ती इसके अटैक के कारण पत्ती मुड़ जाती है, रोल हो जाती है, जैसे दूसरी वाली पिक्चर में दिखाया हुआ है, रोल हो जाती है, ठीक है। और ये इस प्रकार की एक लट होती है, लगभग ब्लैकिश येलोइश करके थोड़ी सी। और इसका जो दूसरी एक स्टेज ये भी है फ्लाई वाली, ठीक है। जो इन्फेक्टेड लीव्स होती हैं उसको पिक करो और डिस्ट्रॉय कर दो। इसके अलावा एंडोसल्फान और रोगर या किसी भी इंसेक्टिसाइड का आप इस पे